हे गाइस, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने YouTube चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ गया हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, टैली प्राइम एडिट लॉग, टैली प्राइम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है, मैंने कंप्लीट शॉर्टकट को एक वीडियो में कवर किया है गाइस। तो यह वीडियो आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यदि आप टैली के किसी भी वर्जन पर काम कर रहे हैं और आप अपडेटेड वर्जन पर काम कर रहे हैं करना चाहते हैं, तो आपको स्मूथ वर्क करने के लिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए शॉर्टकट्स की जरूरत होती है, जो कि पुराने वर्जन से नए वर्जन में काफी चेंजेस हैं। वो आपको कंप्लीट शॉर्टकट्स इस एक सिंगल वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, वीडियो पर बने रहें, और एंड में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना को शेयर करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, बिकॉज यह चैनल कंप्यूटर के कई सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। यहाँ तक कह सकते हैं इस चैनल पर कंप्यूटर के सभी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। आपसे किसी भी प्रकार के कोर्स को परचेज करने के लिए नहीं कहा जाता है, यहाँ सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलते हैं और वो फुल डीपली मिलते हैं, जिसका आपको कंप्लीट नॉलेज स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा यदि आप चैनल पर बने रहेंगे। तो गाइस, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। आप देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर टैली प्राइम एडिट लॉग, जिसमें टैली प्राइम के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट शॉर्टकट को मैं इस वीडियो में कवर किया हुआ हूं। तो स्टेप बाय स्टेप हम स्लाइड के माध्यम से देखते चलेंगे और उसको समझते चलेंगे। चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और आपके सामने प्रेजेंट होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट। मैं आपको इसमें विंडो के अकॉर्डिंग सारे शॉर्टकट्स को बताऊंगा, जिससे आप जो रिपीट होते हैं, तो आपको मैं उस विंडो के आधार पर बताऊंगा कि मेन विंडो पर कौन से शॉर्टकट्स यूज किए जाते हैं, बाउचर विंडो पे कौन से शॉर्टकट्स यूज किए जाते हैं, मास्टर विंडो पे कौन से शॉर्टकट यूज किए जाते हैं, रिपोर्ट्स के लिए हम कौन से शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहें बीच बीच में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की ऑफ टैली प्राइम के मेन विंडो पर जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं वो यहाँ आपको मिल रहा है। एक साइड में आप देख पा रहे हैं टैली प्राइम इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, जो ऑप्शन के शॉर्टकट्स हैं वो आपको सामने मिल रहे हैं, और ऑप्शन लेफ्ट साइड में और शॉर्टकट्स राइट साइड में मिल रहे हैं। फर्स्ट आप देख रहे हैं कंपनी मेनू। टैली जब आप ओपन करते हैं प्राइम को, तो टाइटल बार के जस्ट नीचे जो कमांड्स होते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो कंपनी मेन्यू है, जिसका शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस के। आप मेन्यू भी बोल सकते हैं, चूंकि मेन्यू ऑप्शंस हैं आपके, इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है जिसमें सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इसी तरह से नंबर दो पे है डाटा मेन्यू। डाटा मेन्यू का शॉर्टकट है अल्ट प्लस वाई। एक्सचेंज मेन्यू का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस जी। गो टू का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस जी। इंपोर्ट का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस ओ। जबकि आप ईआरपी 9 में आपको यूटिलिटीज में मिलता था इंपोर्ट, और यहां आपको मेन्यू में मिल रहा है इंपोर्ट, जिसका शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस ओ। एक्सपोर्ट का शॉर्टकट टैली डॉट ईआरपी 9 में भी अल्ट प्लस ई होता है, और टैली प्राइम में भी अल्ट प्लस ई ही होता है। ईमेल का शॉर्टकट अल्ट प्लस एम होता है। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, जब आप प्राइम के विंडो पर या टैली के किसी भी वर्जन पर आप काम कर रहे हो, जो कैरेक्टर लिखा हो उसके नीचे एक सिंगल अंडरलाइन मिलती है तो उसे हम अल्ट कहते हैं। अगर डबल अंडरलाइन मिल रहा है कैरेक्टर, जैसे ईमेल का शॉर्टकट है अल्ट प्लस एम, तो एम के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन मिलेगी आपको। अगर डबल अंडरलाइन मिल रहा है कैरेक्टर के नीचे तो आप उसे कंट्रोल कह सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें प्रिंट का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस पी। हेल्प मेनू होता है, जिसका शॉर्टकट होता है F1। डेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं, डेट का शॉर्टकट होता है F2। यह शॉर्टकट आपको टैली ईआरपी 9 में भी मिलता है, और यही शॉर्टकट आपको प्राइम में भी मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट। हमने बोला आपसे कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब हम देखेंगे 11 चेंज पीरियड। अगर आपको पीरियड चेंज करना है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका, उसमें आपको करेंट पीरियड आपको चेंज करना है, जैसे आप एक महीने की रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, या पूरे दो महीने, या क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसे भी आप रिपोर्ट्स को चेक करना चाहते हैं, वहां आप पीरियड चेंज करेंगे। तो चेंज पीरियड का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस F2। नंबर 12 आप देखेंगे कंपनी।
यहाँ कंपनी आपको बटन बार पे मिलता है और यहाँ से कंपनी क्रिएशन के लिए, कंपनी सेलेक्ट करने के लिए मेन्यू आ जाता है, जहां से डायरेक्ट कंपनी पर आप जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है F3। देखेंगे सेलेक्ट कंपनी, यदि आपको कंपनी सेलेक्ट करना है तो शॉर्टकट होता है Alt+F3। शट कंपनी मतलब कंपनी को बंद करना है, अगर आपके पास एक से ज्यादा कंपनी है आपने ओपन कर रखी है तो आप किसी कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो शट कंपनी का शॉर्टकट Ctrl+F3 होता है। फीचर्स, यदि हमें कोई भी फीचर, चूंकि हम एक साथ सारे वर्क को नहीं करते हैं, अगर एजुकेशनल मोड में आप पढ़ रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक फीचर को एक्टिवेट करते जाते हैं और पढ़ाई करते जाते हैं, तो फीचर्स का शॉर्टकट होता है F11। ये आपको टैली ERP9 में भी मिलता था और टैली प्राइम में भी। कॉन्फ़िगर का भी शॉर्टकट F12 होता है। टैली में आपको कोई चेंजेस करने हैं तो F12 करते हैं। करंट एक्सपोर्ट, करंट जैसे जब हम एक्सपोर्ट मेन्यू पर जाते हैं तो करंट जो भी हमारे स्क्रीन ओपन होती है, एक्टिव होती है, उस करंट फिगर को अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट होता है Ctrl+E। इसी तरीके से जिस एक्टिव विंडो पर हम होते हैं, जो करंट विंडो आपके सामने ओपन होती है टैली की, उसे मेल करना है आपको तो Ctrl+M करते हैं। करंट प्रिंट करना है तो Ctrl+P। अगर आप प्रिंट करते हैं डायरेक्ट मेन्यू पे जाते हैं तो Alt+P, और आप जो करेंटली जिसको आपको प्रिंट करना है उसका शॉर्टकट Ctrl+P होता है। टैली के बारे में अगर हमें हेल्प लेना है, ऑनलाइन हेल्प लेना चाहते हैं तो Ctrl+F1 करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप। अब आप देखेंगे टैली प्राइम मास्टर्स, वाउचर्स, रिपोर्ट्स, विंडो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, मीन्स मास्टर्स से रिलेटेड। मास्टर्स किसे कहेंगे, जहां से हम क्रिएट करते हैं, चाहे लेजर हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे फिर आपके विजर्ड्स क्रिएट करने हैं, या कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, या इससे रिलेटेड आप चाहे अकाउंटिंग मास्टर की बात कर लें, इन्वेंटरी मास्टर की बात कर लें, टैक्सेशन मास्टर की बात कर लें, जिसका भी मास्टर आपको क्रिएट करना है उससे रिलेटेड जो शॉर्टकट्स हैं वो इसमें होंगे। वाउचर विंडो से रिलेटेड सारे शॉर्टकट्स होंगे, रिपोर्ट्स से रिलेटेड सारे शॉर्टकट्स होंगे। आप देखेंगे फर्स्ट है आपका अदर मास्टर्स, अगर अदर मास्टर्स जिस मास्टर्स पर आप हैं बना रहे हैं उससे अदर मास्टर्स पर आप जाना चाहते हैं तो F10 करेंगे शॉर्टकट के लिए, अदर मास्टर्स का शॉर्टकट F10 होगा। मोर डिटेल्स के लिए आप Ctrl+L करेंगे। बेसिस ऑफ वैल्यू पर आप जाएंगे तो Ctrl+B करेंगे आप। अगर आपको व्यूज बदलना है, चेंज व्यू करेंगे आप तो Ctrl+H करना होगा आपको। एग्जेप्शन रिपोर्ट देखना है, जो भी एग्जेप्शन रिपोर्ट आपकी होती है उसे देखना है आपको तो आप Ctrl+J करेंगे। आपको मल्टी मास्टर्स करने हैं तो आप Alt+H करेंगे मल्टी मास्टर्स के लिए। यदि आप कंट्रा वाउचर को ओपन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट होगा F4। ये वाउचर्स के शॉर्टकट आपको टैली के ERP हो या जो भी पुराने वर्जन है लगभग सब में सेम मिलते हैं, तो कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट F4 होगा। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट F5 होता है। रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट आपका F6 होता है। जर्नल वाउचर को हम F7 से डेनोट करते हैं, मींस F7 हम प्रेस करके जर्नल वाउचर को ओपन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहें आप, स्क्रीनशॉट रखते हैं अगर अपने पास तो आपको। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्स वाउचर का शॉर्टकट होता है F8। परचेज वाउचर को हम F9 से डिनोट करते हैं, मींस F9 शॉर्टकट। यदि आप किसी अदर वाउचर्स पर जाना चाहते हैं तो F10 प्रेस करेंगे। पेरोल वाउचर के लिए आपको Ctrl+F4 करना होगा। इसी तरीके से डेबिट नोट वाउचर अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो Alt+F5 करेंगे। क्रेडिट नोट वाउचर का शॉर्टकट Alt+F6 होता है। सेल्स ऑर्डर वाउचर का शॉर्टकट होता है Ctrl+F8। डिलीवरी नोट वाउचर का शॉर्टकट होता है Alt+F8। रिजेक्शन इन वाउचर का शॉर्टकट होता है Ctrl+F6। एंड परचेज ऑर्डर वाउचर का शॉर्टकट होता है Ctrl+F9। स्क्रीन शॉट ले लें आप। नेक्स्ट करते हैं हम, रिसिप्ट नोट वाउचर का शॉर्टकट होता है Alt+F9। रिजेक्शन आउट वाउचर का शॉर्टकट Ctrl+F5 होता है। रिजेक्शन आउट, रिसिप्ट नोट या रिजेक्शन इन, डिलीवरी नोट, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, ये ऑर्डर प्रोसेसिंग के साथ हम इसको यूज करते हैं। स्टॉक जर्नल वाउचर का शॉर्टकट होता है Alt+F7। यदि हमें फिजिकल स्टॉक्स पर जाना है तो हम शॉर्टकट करेंगे Ctrl+F7।
ऑटोफिल करना है, जैसे पेरोल ऑटोफिल होता है या अटेंडेंस ऑटोफिल, या ऐसे ऑटोफिल के लिए शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल प्लस एफ। चेंज मोड चेंज करना है, यदि आपको एज अ वाउचर मोड जाना है, एज इनवाइस मोड में जाना है, आइटम इनवाइस या अकाउंट इनवाइस चेंज करने हैं, या सिंगल मोड डबल मोड में करना चाहते हैं आप, तो कंट्रोल प्लस एच करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। वाउचर टाइम में आपको इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शनल वाउचर जो होता है, ऑप्शनल के लिए हम कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे। पोस्ट डेटेड के लिए हम कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे। अगर हम एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो अल्ट प्लस जी करेंगे। वैल्यूएशन रिपोर्ट्स अगर हमें देखनी है तो F8 हम प्रेस करेंगे। आपने जैसे पीछे देखा कि सेल्स वाउचर का शॉर्टकट F8 होता है, बट वो रिपोर्ट में आप देखेंगे, वैल्यूएशन रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पर शॉर्टकट चेंज, चूंकि वहां वाउचर का वर्क नहीं कर रहे होते हैं तो यहाँ पर F8 वैल्यूएशन रिपोर्ट का शॉर्टकट होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट करते हैं हम। न्यू कॉलम, अगर हमें रिपोर्ट्स में देख रहे हैं न्यू कॉलम क्रिएट करना है तो अल्ट प्लस सी करेंगे। अल्टर कॉलम करना है आपको तो अल्ट प्लस ए करेंगे। किसी कॉलम को डिलीट करना है आपको तो अल्ट प्लस डी करेंगे। ऑटो कॉलम के लिए हम अल्ट प्लस एन करेंगे। डिटेल्स के लिए हम अल्ट प्लस डब्ल्यू करेंगे। यदि हम वाउचर्स में हैं और हमें मास्टर का क्रिएशन करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, डायरेक्टली मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं वाउचर से तो आप अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। और यदि किसी भी मास्टर पर हम हैं, चाहे वो स्टॉक रिलेटेड हो, चाहे वो अकाउंट रिलेटेड हो, टैक्सेशन रिलेटेड हो, मास्टर कोई भी हो, उसका अल्टरेशन करना चाहते हैं डायरेक्ट आप वाउचर में, तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एंटर। जीएसटी पोर्टल को ओपन करना चाहते हैं आप तो अल्ट प्लस वी प्रेस करेंगे। अगर आपको नेचर, जैसे टैक्सेशन के नेचर होते हैं, नेचर ऑफ पेमेंट, तो उसका आपको व्यू देखना है तो आप F5 करेंगे। डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट होगा अल्ट प्लस एस। स्क्रीनशॉट आप ले लें, वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो आपने देखा मैंने कंप्लीट शॉर्टकट आपको प्रोवाइड कराया। टैली प्राइम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जिसकी आवश्यकता आपको बार बार पड़ती रहती है। तो गाइज जैसा कि अभी आपने सारे शॉर्टकट्स को देखा, आप उसको रिपीट करके भी देख लेंगे, आपको वीडियोस एक से दो बार आप देख लेंगे, लगभग सारे शॉर्टकट्स आपको लर्न हो जाएंगे। नहीं, आप स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं उसके द्वारा आप उसको लर्न कर लेंगे, क्योंकि यदि आपको शॉर्टकट्स लर्न हो जाएंगे तो आपके टैली के वर्क को काफी स्मार्ट और स्मूथ तरीके से आप कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी ये हमें आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, बिकॉज इस पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड होती हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप न जाएं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, बिकॉज नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। मिलते हैं ऐसी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।